तो इधर डक डक भी मिल जाएंगे, और उसके बाद में इधर जो है झूले मिल जाएंगे। इस तरह ज़बरदस्त हैं काफ़ी माशाल्लाह, बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन छोटे हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ लाने में इन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हुई होंगी क्योंकि ये बहुत हम जो हैं इसमें बहुत ऊंचाई पे हैं, और यहाँ पे ये ला के इन्होंने इसे सेट किया होगा तो काफ़ी इन्हें परेशानी हुई होगी, इसलिए इसका क्या रेट है। और ये जो है आपको ट्रेन भी इधर मिल जाएगी, इसका नज़ारा तो काफ़ी बेहद खूबसूरत है। ये छपक 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 होते हुए जा रही है, अभी हम पूछेंगे इसका रेट क्या है और हम भी कोशिश करेंगे इससे करने की। ये ट्रेन जा रही है, इधर से होते हुए पीछे इसका इंजन लगा दिया गया है, और इंजन से होते हुए वो नचा रहा है, चार पांच डब्बे हैं फिर लेकर चलता जा रहा है। ये यहाँ पे एकदम बेहद खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। अभी भाई से चल के पूछते हैं कि टिकट का रेट वगैरह। सवारी चेंज करके फिर उसके बाद में चलेंगे गुलमर्ग, फिर आपको दिखाएंगे कैसे क्या हो रहा है। तो मैं फाइनली यहाँ टनमर्ग बस स्टॉप पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से मुझे गाड़ी करना पड़ेगा जाने के लिए गुलमर्ग, क्योंकि ये हिल है तो बस चढ़ नहीं पाती है, और किसी तरह बस धीरे 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 चढ़ते चढ़ते हुए आई है अभी। तो ये टनमर्ग का पूरा बस स्टॉप है जो कि पूरा पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ये पीछे आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है, और हम यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम अभी बस करेंगे, उसके बाद में चलेंगे हम गुलमर्ग जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वही गाड़ी हम ढूंढ रहे हैं अपनी गुलमर्ग के लिए। तो मुझे मेरी गाड़ी मिल गई है, अभी हम इस सोमो से जाएंगे, और अभी कुछ सवारी कम है अभी इसमें बैठने के लिए। ये अभी सीट खाली है, तो अभी कुछ हम बंदे इधर आ जाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ये गाड़ी चल देगी। अभी अभी ये ऐसे करके ऐसे हिल है ना, तो इधर ही तक बस आती है, ऊपर बस नहीं चढ़ पाएगी, इसलिए इसका लास्ट स्टॉप जो है लास्ट स्टॉप यहीं तक है टनमर्ग तक। और यहाँ से केवल आपको सोमो मिल जाएगी और स्कॉर्पियो मिल जाएगी, जो छोटी गाड़ियाँ हैं वही मिलेंगी आपको। और ये पूरा हिल पे टनमर्ग हिल स्टेशन आप समझ सकते हैं, और अभी हम दिखाएंगे गुलमर्ग में कैसा हिल स्टेशन है, कैसा क्या है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं टनमर्ग से फिर यहां गुलमर्ग ऊपर पहाड़ी के ऊपर, और काफ़ी अच्छा व्यू है माशाल्लाह, देखने में एकदम ज़बरदस्त है। उधर घोड़े वगैरह भी सवारी के लिए मिल जाएंगे आपको, पूरा गुलमर्ग घुमाएंगे ऊपर पहाड़ी पर, और जो मैन पॉइंट है वो पॉइंट भी घुमाएंगे। ये सब पूरी गाड़ी वगैरह यहां पे आके यहीं पे मैन स्टैंड है इसका गुलमर्ग का, और यहां से फिर आगे सवारी नहीं जाती है क्योंकि हिल है पूरा, और यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो मतलब अलाउ नहीं करती है कि ये जो गाड़ियाँ हैं सवारियाँ हैं ये आगे को जाएं, केवल यहाँ आप घोड़े ले सकते हैं, और यहाँ की जो राइडिंग बाइक है वो बाइक आप ले सकते हैं। और हम आके यहाँ उतरे हैं, ये जो आपको दिख रही है ये स्टैंड, यहाँ उतरे हैं, और अब हम आगे पहाड़ी की तरफ रवाना होंगे, और यहाँ से आप घोड़े वगैरह भी ले सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ काफ़ी ठंडा है, अगर आप इधर आएँ गर्मी में या फिर ठंडी में आएँ तो इधर ऑलमोस्ट लगभग में ठंडी कुछ रहती है पहाड़ों पे, तो आप थोड़ा गर्म कपड़ा लेकर आएँ इधर, क्योंकि काफ़ी ठंड महसूस हो रहा है मुझे, जैसा कि काफ़ी लोग स्वेटर पहने हैं। अगर ठंडी में आएँगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, फिलहाल ये इधर ठंडी का मौसम नहीं है लेकिन फिर भी ठंडी हो रही है, और आपको गर्म कपड़ा लाना ही चाहिए। और ये सब पूरा स्टैंड में आता है, अभी हम आगे चलेंगे और फिर अपना मैन व्यू पॉइंट देखेंगे कैसे कैसे व्यू पॉइंट है, पूरा पहाड़ी इलाका सब आपको इधर खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा कॉस्टली रहेंगी लेकिन सारी व्यवस्था है माशाल्लाह, काफ़ी व्यवस्था है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आपके पास में मनी होना चाहिए केवल,
टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी आपको पूरी फुल व्यवस्था के साथ में। और आप सबसे मेन पॉइंट है, अगर आप इधर गुलमर्ग वगैरह कश्मीर आप घूमना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सबसे अच्छा जो टाइम है वो मार्च से लेकर बोले तो अक्टूबर सितंबर तक है, सितंबर या लास्ट सितंबर तक, क्योंकि इधर गर्मी में जब आप आएंगे तो इधर का काफ़ी हरियाली आपको मिलेगी, बाकी और टाइम में आएंगे तो फिर उतना हरियाली नहीं मिलेगी। तो हम घूम रहे हैं इधर गुलमर्ग में अभी और आगे चलेंगे और जो मैन व्यू पॉइंट है उधर देखेंगे कैसे कैसे क्या इधर सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ से फिर तनमर्ग जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए और भी जो मुख्तलिफ जगह है उधर के लिए गाड़ी मिल जाएंगी। व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सोचना है किस चीज़ का उपयोग करना है, किस चीज़ के पर्पज़ से आप आए हैं। अगर आप और अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप राइडिंग वाला भी वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं बाइक है चार पहिए की है, उसमें दो पर्सन बैठ के और फिर पूरा पहाड़ी घूम सकते हैं और पैदल भी घूम सकते हैं, काफ़ी सही है, ज़बरदस्त है। अभी हम उधर चलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो ये गुलमर्ग कश्मीर का व्यू पॉइंट है, इधर गुलमर्ग जो बस स्टॉप है या कहें सोमो स्टॉप है, बस इधर बहुत छोटी बसें आती हैं, बस ये सब सोमो टाइप की और यही सब बसें आपको मिल जाएंगी इधर गुलमर्ग में जो कि पहाड़ी के ऊपर इधर है। और इधर ये छोटी वाली बाइक भी मिल जाएगी जो कि थोड़ा जल्दी घुमाती है, फास्ट घुमाती है। और इधर खाने पीने की सारी व्यवस्था है, होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। आप उधर देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट है, अभी आपको दिखाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको थोड़ा, क्योंकि ये हिल के ऊपर है तो थोड़ा कॉस्टली बैठेगा। ये आप रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं, उधर भी रेस्टोरेंट बादल है इधर ऊपर, बादल कैसे पहाड़ियों से एकदम नहीं खुला है उसके बाद में चुका, जैसा लगता है कि पहाड़ी पर ही बादल रखा हुआ है और सारा पानी उसी पहाड़ी पे गिरा रहा है ऊपर, देख सकते हैं ये बादल जो है काला काला चल रहा है और थोड़ा धूप भी खिल रही है ऊपर। तो अभी और आगे चलेंगे हम पहाड़ी सिलसिले पे, उधर चलेंगे फिर आपको दिखाएंगे कैसे।